Hello and assalamu alaikum. As you know, this is me, Wahid Khan. And alhamdulillah, just like today, my Sawat is my first day, and this is my first vlog in Miadam. And who is with me, two friends, who are on my right side, this is Usama, who is from Sawat, and I am their guest. And who is with my other friends, my uncle's brother, this is Salman from Karachi. And we both are guests, जो के उसामा के और ये जो है फिलहाल जो है हमारा first vlog हम बना रहे हैं इस वक्त मियादम जो है picnic spot है तो यहाँ जो है ना हमारी रवानगी है और we will show you in this vlog how मियादम looks like so you can visit Sawat and also मियादम so we'll show you in this video so stay tuned. मियादम में जगह जगह पे आपको जो है ना ऐसे कुछ छोटी छोटी सी जो है ना मार्केट्स टाइप की शॉप्स वगैरह मिलेंगी देखने को और छोटे छोटे होटल्स वगैरह यहाँ काफ़ी लोग जो है ना कराची इस्लामाबाद लाहौर से आते हैं विजिट पे. तो गाड़ी से ये कौन सी जगह है और इसके बारे में कुछ बता दो. ये जो है ना ये खालिस मियादम है मतलब मियादम अड्डा यहाँ से गाड़ियाँ जाती है मिंगवारा फाजखेला वगैरह वगैरह लोकल जगह पे शिंड वगैरह. अभी हम जाएंगे यहाँ का मशहूर जूस बिलाल जूस लस्सी एंड की सेंटर यहाँ से जूस. ये हमारे साथ फूडी फूड लवर माशाल्लाह कुछ ना हो पर काना हो इससे. तो ये है मियादम का फेमस जूस सेंटर बिलाल जूस और हम यहाँ जाके थोड़ा जूस पियेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि जूस के साथ. ये है लस्सी और ये केले का जूस. पार्क पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम होटल जुनेद मियादम सवात. भाई कैसा लग रहा है आपको इस पहाड़ की चोटी पे और इतने खूबसूरत वीआईपी जगह पे बैठ के इस वक्त? यार जब आप आते हैं कराची से एक साल बाद और बहुत ही जो है ना गर्मी के मौसम में और एकदम जो है ना इतनी खूबसूरत वादियों में पहाड़ों में और यहाँ का मौसम यहाँ की हवा तो ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बेहतरीन लगता है. और ये जो लोकेशन है थोड़ा अगर आप मोबाइल घुमाओ जी बहुत प्यारी लोकेशन है बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से.
तो ज्यादा लोग कलाम वगैरह में जाते हैं, यहाँ इतने ज्यादा खास लोग नहीं आते, पर कुछ लोग जिन्हें इनके बारे में आइडिया है तो। लेकिन वहीद मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पे लेडी डायना जो है अमेरिका की जो बरतानिया की जो शहजादी है वो आई थी सबसे पहले। अच्छा, वो यहाँ का विजिट कर चुकी है। नवाज शरीफ भी आ चुके हैं, पीटीडीसी होटल पे आप बैठे हो, फाइनली वहीद खान भी आ चुके हैं। हमारे सलमान भाई आपसे जानना चाहेंगे कि यार आपको कैसा लगा, मतलब ये मियादम आप तो काफी पहले भी आ चुके हो, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो आज आके स्पेशली वहीद खान के साथ आके कैसे महसूस हो रहा है? मैं आदम तो जैसे कि ये हमारे रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं तो मैं आता रहता हूँ हर साल, मतलब जब भी आता हूँ तो हर साल मेरा चक्कर लगता है यहाँ पे। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मशहूर जगह है, और यहाँ पे अक्सर सयाह जो है घूमने के लिए भी आते हैं, पंजाब के पी के और नीचे जो इलाके हैं उनसे लोग यहाँ घूमने आते हैं काफ़ी। तो वो एक ऐसी क्या चीज़ है जिसके वजह से जो है ना ये मियादम आप प्रीफर करेंगे लोगों को यहाँ आए, यहाँ की खास बात या कोई ऐसी जो है ना कोई पॉइंट? यहाँ की जैसे कि एक तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत काबिल तारीफ़ लोग हैं और बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं। दूसरी यहाँ की माशाल्लाह आप देख सकते हैं वादियाँ, पहाड़ियाँ, खूबसूरती, ठंडा मौसम। इस वक्त चूँकि आप देख रहे होंगे कराची में, इस्लाम पेशावर वगैरह में गर्मी होती है, काफ़ी गर्मी, लोग काफ़ी जो है ना हो जाते हैं, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ठंडा मौसम है और बहुत ही खुशगवार नज़ारे हैं, बंदा फ्रेश हो जाता है, तो बहुत अच्छी जगह है। और मैं सबको यही कहूँगा प्रेफर कि आप आएँ लाजमी एक दफ़ा अपनी लाइफ में मियादम का चक्कर ज़रूर लगाएं। ओके सलमान, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। शदीद इंतज़ार कर रहे कि कब जो है ना ये कबाब तैयार होगा, और देख सकते हैं बनते हुए ये कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रहे भाई। ये लगा यार कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये होता है सवाद का कबाब, कितना बड़ा आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा लंच टाइम, व्हाट अ मैग्निफिसेंट कबाब यार, इतना बड़ा माशाल्लाह। छोटा सा पार्क बना हुआ है और इसकी एंट्री फीस जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं, 50 रुपये, 10 रुपये, अच्छा पर हेड 10 रुपये। तो यहाँ बच्चों के लिए जो है ना वो अच्छा। तो उसामा ये बता दे कि यहाँ ये जो जैसे सिटिंग प्लेस है, यहाँ अगर कोई आता है टूरिस्ट तो लंच वगैरह या डिनर के लिए? हाँ, यहाँ पे मिलते हैं ट्राउट फिश, होटल बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी जो मर्जी खाना चाहे बस मिल जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे कि ट्राउट फिश, ट्राउट फिश यहाँ के मतलब सिर्फ ट्राउट फिश के लिए बना, पर वो लोग जो है ना लोग कुछ और मार के खाना वगैरह वो भी मतलब तो आज जो है ना सवाद में मेरा फर्स्ट डे था, और जो मुझे करीब पड़ रहा था, और जो मेरे फ्रेंड जैसे कि उसामा ने बताया कि हमारे घर के करीब एक स्पॉट है जो कि यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ छोटे सा ब्लॉग बना दी जाए, और इंशाल्लाह इस सवाद के ट्रिप में जो है ना मज़ीद और भी जो है ना लोकेशन जो है ना विजिटिंग स्पॉट्स एक्सप्लोर करेंगे। तो रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून, और सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।